मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव प्रजनन की यूनिट के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस वाले पार्ट को पढ़ा था, उसमें हमने मेल गैमेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु निर्माण की क्रियाविधि कैसे होती है उसको समझा था। और आज इस वीडियो में हम अंडजनन ओजेनेसिस अर्थात मादा युग्मक निर्माण की क्रियाविधि को समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पहले की क्लास में मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर अंडाशय की जो संरचना है उसको समझेंगे। प्रत्येक स्त्री के प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो कि गर्भाशय के बाहरी दीवार से कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जो अंडाशय रहते हैं इसकी चारों ओर की जो दीवार होती है वो जननी उपकला ऊतक की बनी होती है। तो ये जो दीवार चारों तरफ की दिख रही है ये जननी उपकला ऊतक से बनी होती है। ये जो उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं और इससे ही आगे अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। अंडाशय के जो ऊतक है वो उसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब अगर हम यहाँ देखें तो अंडाशय में ओवरी में जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट की स्टेजेस दिखाई देती हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन होता है तो ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम। इस प्रकार से हमको ये स्ट्रक्चर अंडाशय का दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं इस अंडाशय के भीतर किस प्रकार अंडाणु जनन या अंड जनन की प्रक्रिया होती है। तो आपको इस चीज को बच्चों बहुत ध्यान रखना है, जननी उपकला ऊतक यहां से ही अंड जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब हम समझेंगे अंड जनन की प्रक्रिया को। तो अंड जनन किसे कहते हैं? तो परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अंड जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमिट इज नोन एज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस वर्ड ओ लगा हुआ है, इससे आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो रहा है ये अंड जनन की प्रक्रिया है। बच्चों, जब मादा के गर्भ में यदि फीमेल फीटस रहता है, यानी कि वो जो भ्रूण रहता है वो कैसे रहता है, लड़की का भ्रूण रहता है, उसी समय से ही इसमें ओजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जो प्रावस्थाएं हैं वो तीन हैं। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वता प्रावस्था। मैंने आपको इस स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था ना, मूव ग्रो मा अर्थात मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, ये तीन फेज इसमें है। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि अंडाशय की जो जनन कोशा रहती है, जब वो फीटस में ही रहता है बच्चा, उसी समय फीमेल फीटस में, उसी समय उसके जो अंडाशय की जनन कोशा रहती है वो क्या करती है, बहुत सारी प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक सपोज बता रही कि ये एक ओवरी है फीटस की और फीमेल फीटस की, और वहां पर उसमें ये जननी उपकला ऊतक की जो कोशाएं रहती हैं, ये सारी कैसी कोशाएं हैं, जननी उपकला ऊतक की कोशाएं हैं। ये कोशाएं क्या करती हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट होती हैं और ये क्या बना लेती हैं, आगे जाकर के प्राइमरी ओसाइट बना लेती है। इसको अभी हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद इसमें कितने बनते हैं, कम से कम 2 लाख, 2 लाख प्राइमरी ओसाइट जो है वो एक ओवरी में बनते हैं। तो 2 ओवरी में कितने बन जाएंगे, 2+2, 4 मिलियन या 4 लाख के करीब बनते हैं इसमें। ये हमको ध्यान रखना है, कभी कभी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय में, एक अंडाशय में कितने प्राइमरी ओसाइट या प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। इसी समय भ्रूण में ही ये कोशिकाएं जो प्राइमरी ओसाइट है वो ग्रोथ करता है, अपने साइज में बड़ा होता है और बना लेता है ओगोनियम। अब ये जो ओगोनियम रहता है, तो ये तो इसने ओगोनियम बना लिया बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है,
इसको भूख भी तो लगेगी, इसको पोषण की भी जरूरत होती है। तो अंडाशय की जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, वो इसके चारों तरफ क्या होने लगती हैं? इसको हम दूसरे कलर से बताएं। ये अंडाशय के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं, सॉरी ओगोनियम के चारों तरफ क्या होती है, ये इकट्ठा होने लगती है सेल्स। और ये सेल्स क्या करती हैं? इस विकसित होते ओगोनियम को पोषण प्रदान करती हैं। और इस अवस्था में इस घिरे हुए ग्रेनुलोसा सेल से घिरे हुए ओगोनियम को फॉलिकल कहा जाता है। ये शब्द आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि व्हाट इज फॉलिकल या पुटक, वैसे आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। वृद्धि प्रावस्था के बाद इसमें आती है परिपक्वता प्रावस्था अर्थात मैचुरेशन फेज। ये जो मैचुरेशन फेज होती है, ये भी आगे जाकर के यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। पहला है द्वितीय कंडक का निर्माण, और द्वितीय कंडक का जब निर्माण हो जाता है और उसके बाद यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तब इसमें सेकंड फेज स्टार्ट होती है अंडाणु का निर्माण। इसका अर्थ है ओजेनेसिस जो है, अंडजनन की जो प्रक्रिया है मादा में, वो कैसी है? असतत, कंटिन्यूअस नहीं है, और इसमें बहुत सारी ओसाइट्स का क्या होता रहता है, नष्ट विनष्टीकरण होता रहता है। अंत तक परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम पुटक शेष बचते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होती है ये प्रक्रिया, इसको हम डायग्रामेटिक रूप से देखें। यहां मैंने दो प्रकार से लिया हुआ, सबसे पहले जब बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले, जो फीमेल फीटस यानी जो मादा भ्रूण रहता है, बिल्कुल मैं बार बार ध्यान से बोल रही हूँ, हर किसी के साथ नहीं, मादा भ्रूण यहाँ आप लिख लीजिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। जो मादा भ्रूण रहता है जन्म से पहले, उसकी अंडाशय की जननी उपकला सेल जो होती है वो क्या करती है? ओगोनियम बनाती है। ये ओगोनियम ग्रोथ करता है और ओगोनियम का निर्माण कर लेता है। अब ये ओगोनियम जो है या एग मदर सेल, इसको ईएमसी अर्थात एग मदर सेल भी कहा जाता है, ईएमसी एग मदर सेल। ये एग मदर सेल क्या करती है? जब यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है और यहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट, जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है यानी मियोसिस स्टार्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होती है, उसी समय ये अरेस्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसका आगे डिवीजन जो है, सेल डिवीजन, वो रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आकर के पूरा जो सिस्टम है वो एक प्रकार से सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो ये स्टेज हो गई बिफोर बर्थ की। अब जब बच्ची जन्म लेती है, उस समय जन्म से लेकर के उसके प्यूबर्टी फेज तक, अर्थात जन्म से लेकर के उसमें जब तक किशोरावस्था शुरू नहीं होती, तब तक ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो कैसा रहता है? इनएक्टिव, अर्थात निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ओवरी इनएक्टिव रहती है, अंडाशय निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। चाइल्डहुड में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब क्या होता है, जैसे ही लड़की प्यूबर्टी फेज में जाती है, अर्थात उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले की जो स्टेज रहती है, उस समय क्या होता है, प्यूबर्टी फेज किसी की 12 to 11 ईयर से लेकर के 14 ईयर में जनरली स्टार्ट हो जाता है। उस समय प्यूबर्टी फेज में ये जो प्राइमरी ओसाइट है यानी जो प्राथमिक अंडक है, ये प्राथमिक अंडक सेल जो है ये क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट करती है। अभी यहाँ पर ये डिप्लॉइड रहती है, 2N रहती है। इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, लेकिन कैसा होता है? अनइक्वल। कैसा होता है? अनइक्वल, बराबर से नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो इसमें एक छोटी कोशा और एक दूसरी सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण होता है। तो ये जो छोटी कोशा है, इसको कहते हैं पोलर बॉडी या ध्रुवीय कोशा। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, स्पर्मेटोजेनेसिस से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग, लेकिन यदि आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पोलर बॉडी बन गई और एक सेकेंडरी ओसाइट अर्थात द्वितीयक अंडक का निर्माण हो गया, द्वितीयक अंडकोशा का निर्माण हो गया। अब ये जो द्वितीयक अंडकोशा है ये रिमेन रहेगा,
और इसी स्थिति में ही इसमें ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन होने के बाद इस द्वितीय कंडक में यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया होती है तब ये अगेन इसमें मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन कर करके क्या बना लेगा, ये मेल न्यूक्लियस से रिएक्ट करके यहां पर जाइगोट बना लेगा। चलिए और एक बार इसको फिर से समझते हैं अच्छे से। क्या हुआ, पहले बताया हमने फीटस के जो अंडाशय था फीमेल फीटस का, उसमें जननी उपकला कोशिकाओं के प्रवर्धन से ओगोनियम का निर्माण हुआ। ये ओगोनियम क्या करता है, माइटोसिस की क्रिया करता है, अर्थात इसमें समसूत्री विभाजन होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ समसूत्री कोशा विभाजन। तो ये समसूत्री कोशा विभाजन जब होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्ची इसको, आप अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेना। समसूत्री कोशा विभाजन के द्वारा ये प्राइमरी ओसाइट या प्राथमिक अंडक बनाता है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है और कौन सी स्टेज में पहुंचती है, प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में पहुंच करके ये जन्म मतलब बच्ची के जन्म के पहले ये जो पूरा सिस्टम है ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, शीत अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अब इसके बाद इसमें कोई भी क्या है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है और ये तब तक सुप्त रहता है जब बच्ची जन्म ले लेती है। उसके बाद वो अपनी बचपन की अवस्था बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाती, तब भी इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। लेकिन जब लड़की में ओव्यूलेशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, उसी समय इसमें क्या होता है, अगेन फिर से डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो प्राथमिक अंडक है ये करेगा मियोसिस फर्स्ट, पूरा कंप्लीट करेगा और कैसा विभाजन होगा, ये अनइक्वल असमान। असमान विभाजन होने के बाद ये एक छोटी पोलर बॉडी बनाएगा और एक द्वितीयक अंडकोशा का निर्माण करेगा। ये जो द्वितीयक अंडकोशा है ये मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाती है, रुक जाती है, यहीं पर रुक जाती है और अब इसका ओव्यूलेशन ओवरी से हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद यदि यहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है तब ये मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करके अंडाणु को मुक्त करती है और उसी समय मेल न्यूक्लियस इससे निषेचन की क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये है ओजेनेसिस। लेकिन इसके साथ अगर हम फॉलिकल डेवलपमेंट को भी समझेंगे, जब प्राथमिक अंडकोशा रहती है तो उसको भोजन के लिए भी कुछ चाहिए रहेगा, तो उसके सामने ग्रेन्यूलोसा सेल जो है वो इकट्ठे होकर उसको न्यूट्रिशन देगी, उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, तो ये कहलाएगा प्राथमिक फॉलिकल अर्थात प्राथमिक पुटक। ये जो प्राथमिक पुटक है इसमें फिर अगेन फिर इसको पोषण की जरूरत पड़ेगी, फिर से दूसरी दूसरी सेल्स आ जाएंगी तो वो बना लेगा द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक जो है क्या करेगा, फिर इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, फिर से अगेन सेल इसके ऊपर आके लग जाएंगे, इसको न्यूट्रिशन देंगी तो बना लेगा तृतीयक पुटक। जो तृतीयक पुटक है उसको किस प्रकार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि तृतीयक पुटक में अंडकोशा के साथ में एक कैविटी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं एंट्रम। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा है, ये है एंट्रम। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं द्वितीय पुटक को तृतीय पुटक से। अब ये जो और फॉलिकुलर स्ट्रक्चर इसका बनता, फॉलिकल अपने शेप साइज और शेप में बढ़ते हैं और बाद में एक मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं जिसको कहते हैं ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक, ये ग्राफियन पुटक में से ओव्यूलेशन होता है तो बाद में ये जो हिस्सा बचता है ये आके पीत पिंड अर्थात कार्पस ल्यूसियम बना लेता है। अब यहां पर ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। इस प्रकार ओजेनेसिस की क्रिया फीमेल में होती है। तो हमको ये ध्यान देना है कि कब फीमेल फीटस में होगा, कौन सा स्टेप जाके प्यूबर्टी के बाद होने वाला है। इस प्रकार आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
थैंक यू बच्चों, ये था आपका ओजेनेसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।